हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सिविल एजेई एग्जाम। दिस इज पार्ट 8 ऑफ दिस सीरीज। इफ यू डिडंट वॉच पार्ट 1 to 7, देन फर्स्टली वॉच बाय विजिटिंग प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल और क्लिक ऑन द आई बटन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। आंसर इज 200 kg/cm². M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह 200 kg/cm² होता है। इसको आप जो है 20 MPa भी बोल सकते हैं, या इसको जो है आप 20 N/mm² भी बोल सकते हैं। 20 N/mm² कोई भी ऑप्शन इस तीनों में रहेगा तो आप इसको सही कर सकते हैं। यहीं पे जो है M20 के जगह जो है M25 रहता तब जो है 250 kg/cm² हो जाता। अगर M15 रहता तब 150 kg/cm² हो जाता। अगर M10 रहता तब 100 kg/cm² हो जाता। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो वह होगा 200 kg/cm², या इसको आप बोल सकते हैं 20 MPa या 20 N/mm². नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट टाइप ऑफ ब्लास्ट इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है सबसे अच्छा ब्लास्ट माना जाता है। ऐसे ब्रोकन स्टेन को जो है ब्लास्ट के रूप में सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है। तो जो भी एग्नियस रॉक है जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट हो गया, इस सभी का यूज जो है ब्रोकन स्टोन के रूप में किया जाता है। और ब्रोकन स्टोन का जो साइज होता है वह 1.9 cm से लेकर 5.08 cm तक होता है। तो ब्लास्ट के रूप में जनरली हम एग्नियस रॉक में ग्रेनाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड इन फ्रंट ऑफ द आईपीस। क्रॉस हेयर जो सर्वेइंग टेलीस्कोप में हम यूज करते हैं वह आई पीस के सामने में फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज लेवल लाइन। जो लाइन प्लम लाइन के नॉर्मल होता है उस लाइन को क्या बोला जाता है, तो उस लाइन को बोला जाता है लेवल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशन पेग्स। पेग्स का यूज जो है किसी भी स्टेशन के पोजीशन को मार्क करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वॉल फिनिशिंग इज पेंटिंग, प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग। वॉल फिनिशिंग जो हम करते हैं उसमें सबसे पहले हम पेंटिंग करते हैं, उसके बाद वॉल का प्लास्टरिंग करते हैं, और प्लास्टरिंग के बाद जो है वॉल का हम पेंटिंग करते हैं। तो वॉल फिनिशिंग का करेक्ट सीक्वेंस हो गया पेंटिंग, उसके बाद प्लास्टरिंग, उसके बाद पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेथड ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट आर देयर टू। कंक्रीट बैचिंग का जो है दो मेथड होता है, एक होता है वेट बैचिंग और एक होता है वॉल्यूम बैचिंग। वेट बैचिंग में क्या होता है कि 1 bag ऑफ सीमेंट जो है 50 kg माना जाता है, और वॉल्यूम बैचिंग में जो है हम 35 L मानते हैं 1 bag ऑफ सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0।
आरसीसी स्ट्रक्चर के डिजाइन में जो है कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है हम जीरो मान के आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड व्हिच डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड डेड लोड। वैसा लोड जो टाइम के साथ जो है अपना मैग्नीट्यूड और पोजीशन नहीं बदलता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है डेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंट्रोल लाइन ड्रोन ऑन ए मैप आर द लाइन व्हिच पास थ्रू सेम एलिवेशन। कंट्रोल लाइन मैप पे जो खींचा जाता है वह सेम एलिवेशन से पास करता है, सेम एलिवेशन से पास करने वाला लाइन जो मैप पे हम खींचते हैं उसी को कंट्रोल लाइन बोलते हैं, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मशीनरी मॉड्यूलर ब्रिक। हाई क्लास ब्रिक मशीनरी के लिए जो है सबसे सुटेबल ब्रिक्स कौन होता है, तो मॉड्यूलर ब्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डीपीसी वर्क स्क्वायर मीटर। डीपीसी वर्क के लिए जो है हम किस यूनिट का यूज करते हैं एस्टिमेशन करने के लिए, तो स्क्वायर मीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ एरिया शुड बी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया के मेजरमेंट में एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया के लिए एक्यूरेसी। वहीं पे जो है लंबाई का एक्यूरेसी जो होता है वह 0.01 मीटर होता है, और वॉल्यूम का जो एक्यूरेसी होता है वह 0.01 मीटर क्यूब होता है, लेंथ में मीटर, वॉल्यूम में मीटर क्यूब और एरिया में मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर मेरिन वर्क। ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट का यूज जो है मेरिन वर्क के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो होता है साल्ट रेजिस्टेंट इसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप इज डन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। कंक्रीट का ट्रांसपोर्ट जो है पंप के द्वारा हम करते हैं वह कितने दूरी के लिए करते हैं, तो 400 मीटर के लिए करते हैं। 400 मीटर तक जो है पंप के द्वारा हम कंक्रीट का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंक्रीट इज जनरली पैलेस्ड ऑन ए फॉर्मवर्क। कंक्रीट जो जनरली हम पैलेस्ट करते हैं वह एक फॉर्मवर्क पर पैलेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एजम्पशन मेड अबाउट बैक ऑफ वॉल इन द रैंकिंस थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर वर्टिकल एंड स्मूथ। अर्थ प्रेशर का जो रैंकिंस थ्योरी है उसमें हम बैक ऑफ वॉल बनाने के लिए क्या एजम्पशन लेते हैं, तो उसमें जो है वॉल जो हम मानते हैं उसमें बैक ऑफ वॉल जो होना चाहिए वह वर्टिकल और स्मूथ होना चाहिए। ऐसा रैंकिंस थ्योरी में जो है अर्थ प्रेशर निकालने में ऐसा एजम्पशन माना जाता है कि वॉल जो है वह वर्टिकल और स्मूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच आईएस कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग
water to be used in concrete? IS 456. IS 456 जो है इस बात को बतलाता है कि वाटर जो है वह कंक्रीट के साथ यूज किया जाता है। IS 383 जो है वह एग्रीगेट से रिलेटेड होता है। IS 565 जो है वह DDT से रिलेटेड है और IS 3012 जो है वह मेटलर्जी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्रस्ट इट इज एज्यूम्ड दैट द मेंबर आर जॉइंड बाय ए स्मूथ पिन। ट्रस्ट में ऐसा एज्यूम किया जाता है कि मेंबर जो है वह स्मूथ पिन के द्वारा ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रांजिट थ्योरलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। ट्रांजिट थ्योरलाइट में लाइन ऑफ साइट को रिवर्स्ड किया जा सकता है, टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री पर रिवॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ट्रस कंक्रीट। कंक्रीट का यूज जो है ट्रस को बनाने में नहीं किया जाता है, जबकि वुडन स्ट्रट, मेटल बार्स और चैनल का यूज जो है ट्रस को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोडवे इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड। रोडवे का जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है उसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ रोडवे जो होता है वह ट्रैफिक डेंसिटी और स्पीड का मल्टीप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ड्रिप मेथड। उस मेथड को क्या कहते हैं जिसमें वाटर को जो है रूट जोन में डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है, तो उस मेथड को कहा जाता है ड्रिप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन द एंगल ऑफ स्लोपिंग साइड फ्रॉम द वर्टिकल इज 45 डिग्री। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए एंगल ऑफ स्लोपिंग साइड वर्टिकल से क्या होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS स्पेसिफिकेशन कंक्रीट शुड बी क्योर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी ऑफ 90%। IS स्पेसिफिकेशन के आधार पे जो है कंक्रीट का जो क्योरिंग किया जाना चाहिए वह 90% ह्यूमिडिटी से अगर कम है तब जो है हम कंक्रीट का क्योरिंग हमको करना चाहिए, ऐसा IS स्पेसिफिकेशन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रेसिस्ट हाई टेम्परेचर। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जिसको फायर ब्रिक्स भी कहते हैं इसका यूज जनरली जो है हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करने के लिए किया जाता है। इसका यूज जो है हम जनरली लाइनिंग फर्नेस, किन, फायर बॉक्स या फायर पैलेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवेन बाय म्यू बाय 1 - म्यू, जहाँ पे म्यू जो है पॉइजन्स रेशियो होता है। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर जो है रेस्ट में हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं म्यू बाय
वन माइनस म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉल इज प्रोवाइडेड एट अपर एंड ऑफ द वेंटिलेटिंग कॉलम। क्रॉल जो है वह वेंटिलेटिंग कॉलम के अपर एंड पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए बीम द टर्म एम बाई ई आई इज ए कर्वेचर। एक बीम के लिए जो टर्म है एम बाई ई आई वह क्या होता है, वह एम बाई ई आई जो है वह कर्वेचर होता है बीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइनिंग ऑफ इरीगेशन चैनल डिक्रीजेज द वाटर लॉगिंग एरिया। अगर हम इरीगेशन चैनल का लेनिंग कर देते हैं तो इससे जो है वाटर लॉगिंग एरिया घटता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।